पहली फुर्सत में निकल। वीडियो के बाहर सब अपनी चप्पल उतार लो और घंटी बजाकर अंदर आ जाओ। So what is up everybody and welcome back to another video. आज हम फिर से जाने वाले हमारे फेवरेट ऐप TikTok पर और इस बार हम देखने वाले हैं थोड़ी प्यार मोहब्बत लव रोमांस द बेस्ट कपल्स इन TikTok। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें पहली फुर्सत में निकल। तो इन्होंने मेरे पिछले दो वीडियो में कैमियो अपीयरेंस मारा एंड यू गाइस लव्ड इट, इसीलिए मैंने इनके बारे में बहुत ही गहरी जेसीबी की खुदाई करी और मुझे मिला खजाना। पर इन्हें ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ ऐसी चीजें भी मिली है जो ना ही टिकटॉक पर होना चाहिए ना ही यूट्यूब पर एनीवे वो चीजों को हम तो ऑफकोर्स नहीं देखने वाले हमारे पोको टीवी पर। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ माल, लेट्स बिगिन। देखने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में दिखाए गए करतब सभी काल्पनिक है और इन्हें एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर परफॉर्म करी गई है। आसान भाषा में अगर बताऊं तो ये सारे एक्टर्स हैं, इन्हें पैसे दिए गए हैं, एक स्क्रिप्ट दिया गया है, वो देखकर उन लोग वही कर रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो में दिखाए गए हरकतों को ना दोहराएं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था ये सारे एक्टर्स हैं, इन्हें स्क्रिप्ट दी गई है, अगर इस चीज को आप दोहराओगे तो वो नहीं देगी, समझ गए? आई मीन फोन नंबर नहीं देगी, तुम समझते क्या हो? मैं पोगो टीवी चला रहा हूं, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलता। ओहो, हियर एंटर्स द स्टड। वीडियो शुरू हो के अभी दो मिनट भी नहीं हुआ और हमारे छपरी दर्शन ऑलरेडी हो गए। छपरी स्पॉटेड एवरीबॉडी। यार मैं कपल्स पे वीडियो बना रहा हूँ, क्या क्या उम्मीद लेके बैठा था कि भाई प्यार देखने मिलेगा, लव मोहब्बत की मिसालें देखेंगे हम, हैशटैग कपल गोल पर घंटा। अब कमेंट्स में जीनॉन भाई को थोड़ी ज्यादा ही पंचायत है। हाउ डिड ही सेंड हर हिज नंबर व्हेन ही वाज आस्किंग फॉर हर? जीनॉन भाई, एज आई सेड बिफोर, ये चीजें काल्पनिक है, अगर ये चीज आप दोहराओगे तो आपको नहीं देगी, प्लीज नहीं होता ऐसे चीजें। अब जो पिछला वीडियो हमने देखा उसे गलती से एक बार कंटेंट बोल सकते, पर अगली वीडियो को एक बार देखो। ये कंटेंट है, कितनी मेहनत वाली कंटेंट है ये भाई। मैंने की है मेहनत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम सांस ले रहे हो उसे रिकॉर्ड करके टिकटॉक पे डाल दो भाई, वो भी कंटेंट है टिकटॉक के लिए। बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है। भाई हद होती है, भाई क्रिंज की हद होती है, ऐसे तो कल वो हगने चले जाएंगे, तुम उसकी गुई खा लो भाई, गोटिया हद होती है कि नहीं? हाय व्हाट्सअप, देख मैंने फुटबॉल के शूज के लिए पैसे जमा कर लिए। हाय व्हाट्सअप भाई, कोई इनके लिए ऑस्कर ले आओ भाई, ऑस्कर भाई, गोटिया एक ऑस्कर का ट्रॉफी लिया, सर पे अपटनी मुझे इनके, कमाल की एक्टिंग कर लेते हैं भाई। अब तुझे फटे हुए जूते के साथ नहीं खेलना पड़ेगा। ओ ये पैसे जमा कर लिए फुटबॉल। हे व्हाट्सअप, हाय क्या इनकमिंग लड़की, अब होने वाला है कुछ क्रिंज। कर रहे हो? हटो 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 हटो। क्योंकि मैं पैसे जमा कर रही हूँ अपने कॉलेज की फीस के लिए। कट गया, I have a feeling यहाँ पर किसी की तो कटने वाली है। एक मिनट आता हूँ, एक मिनट। बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे। Let's everybody take 2 seconds out of our precious life and pray for our fallen brother, जिसका अभी अभी कट चुका है। बस कहाँ से आ रही है रे? अरे एग्जाम से आ रही हूँ। कैसा था पेपर? पतला सा था और व्हाइट कलर का था। जोक मारा, हंसू, है
मतलब देश कितनी भी प्रगति की राह पर चले जाए, ये टिकटॉक के बच्चे तैयार बैठे रहते हगने के लिए। और अब हम लोग फाइनली आने वाले हमारे मेन इवेंट पर, द कपल ऑफ द सेंचुरी, जिसने हम सबके दिल जीत लिए। ओह क्या प्यार है। कभी हम जुदा न होंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, एक बार ये दोनों मतलब गलती से सहन हो जाएंगे। बाकी टिकटॉक पे सिर्फ बाबू सोना हग्गू धोना यही चल रहा है इन लोग का। नहीं मैं समझता हूँ प्यार मोहब्बत, मैं समझता हूँ कपल्स, बट मतलब ये क्रिंज देना जरूरी है तुम लोग को? सीधे सीधे नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकते तुम लोग? जरूरी है सब करना? जाने कब किस कदर तुझ पे मरने लगा। बट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू हैव अ न्यू मीम, ग्रंपी आंटी। डूब जाओ तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। हेलो क्या सलमान भाई गाड़ी लेके निकले अपने घर से? ए भाई ये दोनों घर के अंदर घुसा भाई, लपम पंग घर के अंदर गोटे, दोनों घर के अंदर घुसा के बंद कर भाई। और ये क्या भाई जलपरी बनने की कोशिश चल रही है? ओए नहीं गलत, ओके गोरे गोरे गाल। ग्रंपी आंटी गोइंग स्ट्रॉन्ग। देख ही तो रहे हम यार, आंटी कुछ करती भी नहीं यार, कत ग्रंपी आंटी बनकर बैठी है यार। हग दिया आंटी, इतना अच्छा सोलो परफॉर्मेंस मार रही थी भाई तुमको, नहीं तुम आंटी को नाचने दो यार, ऐसे क्यों करते हो यार अंकल, हमेशा अच्छा नहीं लगता यार ये। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंस जब आप अपनी वाइफ को दिन रात कुछ इस प्रकार सताओ, आपके साथ क्या हो सकता है क्या आप जानते हो? शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू कहूं। ग्रंपी आंटी ऑन फायर, भड़क गई भाई। और भाई अंकल कुछ बहुत ही अतरंगी शौक पालते, जैसे बीन बजा के सांप को नचाना। ओए नाच, ओ भाई क्या बेइज्जती करवा रहा, नाच थोड़ी सी, नाच ले थोड़ी सी भाई। एपिक फेल। वो सांप ने घंटा भाव देख रखना, मैं नहीं हिल रहा ना, सॉरी थैंक यू मैं बिल्कुल नहीं हिल रहा, तू भाई क्या चटपुट, मैं नहीं हिल रहा। डूब जाओ तेरी आंखों के। अबे फिर से, अभी अभी तो वार्निंग दी मैंने। तो यार बस ये मेरी आज की लिमिट है, इससे ज्यादा मुझसे ना एक दिन में सहन होने वाला है, ना मैं एक दिन में इससे ज्यादा तुमसे सहन करवाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। सो अगर वीडियो देख के आपको जीवन का आनंद मिला है तो इस वीडियो को लाइक मार दो, और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम कहीं फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाकर फॉलो करो @theRoni। और अगर मेरे इस चैनल पर नए हो तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे जाकर मार दो, मगर प्यार से। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, मार्च 2021 एंड यू जस्ट सॉ द रॉनी शो। बाय बाय। पहली फुर्सत में निकल।